खोएंगे एक दिन। आज तो खुश हैं लेकिन तुमको अपने प्रयोजन से मतलब है, इस समय खुश हैं श्री कृष्ण का संग पा करके। उनका कुछ रूप चला गया है और इष्ट प्रसन्न है, तो तब इष्टम कल्पयन्ति, तुम्हारा अभिप्सित वे देंगे, तुम जो चाहते हो वही लोग देंगे। हमारे यहाँ सामने से हट जाओ, जाओ मथुरा, और मथुरा में कृष्ण के साथ जिनका विहार है उन जादव नारियों का कीर्तन करो, यहाँ मत रहो। इस श्लोक में विजल्प है, विजल्प की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी पर दिखते हैं। व्यक्तया असूयया गूढ़ मान मुद्रांतरालया अघर दूषी कटाक्षोक्तिर विजल्पो विदुषाम मत। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि विद्वानों का मत है, लेकिन इस विषय में रूप गोस्वामी से पहले कोई विद्वान कुछ भी नहीं जानता था। जानते होंगे सुखदेव गोस्वामी, गोपियाँ जानती थीं, भगवान कृष्ण जानते थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के पढ़ने के बाद श्रील रूप गोस्वामी पास जाने सबसे पहले, ये उनका उद्गार है। लेकिन बोलने में कितना दयन है, कहते हैं इति विदुषा मत, विद्वानों का मत। विजल जिसमें व्यक्त दोषाविकार हो, दोषाविष्कार हुआ हो, दोष बताया गया हो व्यक्त, और गूढ़ मान मुद्रा अंतरालया जिसमें, जिस असूया में दोषाविष्कार में छिपा हुआ मान, छिपी हुई मान मुद्रा हो, और अघद्विषी अघासुर के बैरी भगवान श्री कृष्ण में कटाक्षक्ति हो, आविष्कार दोष निकालते हुए और मान करते हुए, तो उस कटाक्ष उक्ति को, कटाक्ष को विद्वान लोग विजल्प कहते हैं। अब इस श्लोक में देखिए किस चरण में क्या क्या कह रही है। अत्र उत्तरार्धे, इस श्लोक के उत्तरार्ध में असूया मान गर्भ सर्वत्र एव उपहासात्मक कटाक्ष। असूया है और मान गर्भ असूया, इसमें कृष्ण का उपहास है, इस प्रकार उपहासात्मक कटाक्ष कृष्णे पर्याप्नोति इति अयम विजल्प। किमी बहु सदंग्रे गायसी तम जदुना अधिपतिम गृहाणाम अग्रतो न पुराणम। तो पूर्वार्ध में तो कोई असूया है और मान प्रकट हो रहा है, लेकिन मान गर्भित असूया उत्तरार्ध में है। कि वे सर्वदा विजयशील श्री कृष्ण की प्रियाएं हैं, और उनका कुछ रूप छपित हो गया है, इसका अर्थ है बहुत गंभीर है, यह असूया है। वास्तव में वृंदावन के गोपियों को त्याग करके मथुरा में जा करके और जादवों की स्त्रियों से संबंध रखना दोषाविष्कार है, दोष है, अनुमान गर्भित दोष। तो तुम्हारा प्रिय करेंगे, तो इस प्रकार इसमें विजल्प है। हम उज्जल्प का वर्ण उज्जल्प बताते हैं, तो सुनते हैं राधा रानी के उद्गार से ही वे सिद्धांत बनाए हैं, उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं था, श्लोकों से ही सिद्धांत बना रहे हैं। सिद्धांत प
पर कोई उक्ति कही जाती है, शास्त्र बनाया जाता है, लेकिन इन श्लोकों पर सिद्धांत बनाया गया, क्योंकि इसके पहले कोई सिद्धांत किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। अनर्पित चरिन चिरात करुणा व तिल्लह कलव समर्पित उन्नतोज्जल रसांश भक्ति श्रियम। भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहले इस लोक में इस रहस्य का पता नहीं था, इस उन्नत भक्ति उज्ज्वल भक्ति को कोई बताया नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी पाद को ये चीज बताए। एक श्लोक है ना कवि कर्णपुर का, स्वरूपे स्वरूपे कई लिखा गया, कैसे वो श्लोक, वहाँ रूप गोस्वामी पाद जी के समाधि पर भजन स्थल पर यह श्लोक लिखा है, दैत स्वरूपे सहजाभिरूपे, कैसे पहला लाइन है, ततान रूपे स्विलास रूपे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारा भक्ति रहस्य ज्ञान रूप गोस्वामी में ततान विस्तार किया। तो रूप गोस्वामी पर ऐसे नहीं लिखे हैं कि इसको विजल्प कहा जाएगा या उज्जल्प कहा जाएगा, वे कहते हैं कि विद्वान लोग इसको उज्जल इसको विजल्प या परजल्प कहते हैं। क्या दीनता है रूप गोस्वामी पर, कौन विद्वान इनके पहले, कौन विद्वान किस ग्रामर में किस शब्दकोश में कहाँ पर कहा है, कहीं नहीं है। ये तो प्रीति संदर्भ में है, रूप गोस्वामी पाद ने स्वयं कहा है, तो दूसरे विद्वानों कहते हैं। इसके बाद यदि भ्रमर ये कहे कि ननु भवती भीर बिना तस्य का अन्याय एवं विद सौभाग्य संति, आप कृष्ण पर इतना आक्षेप कर रही हो कि उनका अन्य स्त्रियों से संबंध है, कौन ऐसी आप लोगों के बिना, मतलब श्री राधा आदि के बिना, ब्रजगोपियों के बिना कौन सी ऐसी सौभाग्य प्राप्त स्त्रियां हैं जिनके साथ कृष्ण का संबंध है, ऐसी बात मत बोलिए। कृष्ण पर इतना आक्षेप करना, आप लोगों के अलावा गोपियों के अलावा कौन स्त्री को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है जिसका वे संपर्क करें सम करें, तब गोपियां कहती हैं दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियस्तद्दुरापा। अरे भ्रमर, इस पृथ्वी की मथुरा वृंदावन आदि की बात छोड़ो, दिवि स्वर्ग में और भूमि इस पृथ्वी पर और पृथ्वी से नीचे रसातल में, नीचे के सात लोक में, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो कृष्ण के वश में नहीं हो सकती हैं। तुम कहते हो कौन वैसी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जिनका चिंतन कृष्ण करते हैं, और हम पूछती हैं किसी भी देवी का नाम बताओ स्वर्ग लोक में, और इस पृथ्वी पर किसी भी ज्योति स्त्री का नाम बताओ, और पाताल में भी सुतल लोक में भी बलि महाराज के यहाँ जहाँ तहाँ तीनों लोकों में कौन ऐसी स्त्रियां हैं जो कृष्ण के लिए दुर्लभ, कौन कृष्ण को नहीं चाहेगी, ये अर्थ है। ऐसे राधा रानी बोल रहे हैं दूसरे तरफ से कि किसको वे अपने बस में नहीं कर लेंगे, लेकिन प्रकारांतर से उक्ति का अर्थ है कौन ऐसी स्त्री है जो श्री कृष्ण को नहीं चाहेगी। दिवि भुवि च रसायन का स्त्री तद दुरापा, कृष्ण के लिए दुर्लभ कौन स्त्री है, इसका मतलब है कौन नहीं उनको उनके बस में हो जाएगी, यह कृष्ण की विशेषता है। लेकिन यह विशेषता तो बताना नहीं है राधा रानी,
क्यों वश में हो जाएगी? क्योंकि कपट रुचि रहास भ्रू ब्रजिंग भस्य या शिव। श्री कृष्ण के पास कपट पूर्ण और बहुत सुंदर हंसी है, वे हंसते हैं, भीतर कपट भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से रुचि रहास बहुत सुंदर हंसी, और हंसते हुए भ्रू विजृंभ भौं से इशारा करना, मटकी मारना, इस तरह से हंसते हुए देख देना। जिस स्त्री पर श्री कृष्ण हंसते हुए देख दें, कौन ऐसी तीनों लोक में स्त्री है जो उनके बस में नहीं हो जाएगी? तो तुम कहते हो कि मछलन कौन ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली है जो कृष्ण जिसको चाहते हैं या कृष्ण को जो चाहती है, तुम लोगों के समान भाग्यशाली कोई नहीं। तो राधा रानी कहती कौन स्त्रियां हैं जो नहीं उनके बस में हो जाएंगी? और केवल दो चीज होना चाहिए, बस मुस्कान और तिरछी नजर से देखना, बस इतना ही काफी है। अरे तुम ही बताओ, चरण रज उपासते जस्य भूतिर, जिनके चरण रज की उपासना लक्ष्मी कर रही है, तो वयम का, हम लोग किस गली के, हमारी क्या कीमत? वे हमको चाहेंगे और किसी स्त्री को नहीं चाहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब लक्ष्मी भी उनके चरणों की धूलि की उपासना करती है, तब कौन स्त्री नहीं करेगी? कौन स्त्री उनसे प्रेम नहीं करेगी, उनकी सेवा नहीं करेगी? भूति, भूति का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, संपूर्ण संपद की स्वामिनी श्री जी। चरण रज उपासते जस्य भूति, जस्य चरण रज भूति उपासते, तत्र वयम का, हमारी वहां क्या गिनती है? तुम ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, आप ही लोग सबसे सुंदरी हैं, सबसे सौभाग्यवती है, कृष्ण आपसे केवल संबंध रखें और किसी से नहीं। हमें तो मानती ही नहीं है। कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ मुस्कान और तिरछी चित्वन से सभी स्त्रियों को खींच लेते हैं। मथुरा में वे नहीं किसी स्त्री के बस में होंगे या कोई स्त्री उनके बस में नहीं होगी, मैं मान ही नहीं सकते। तुम चाहे लाख बात बनाओ, और वो शपथ खा रहा है कि कृष्ण सपने में भी किसी स्त्री को नहीं देखते हैं, और रात दिन वहाँ भी जब भी एकांत मिलता है तो श्री राधे श्री राधे ललिते विशाखे यही बोलते रहते हैं। पर राधा रानी कहती है सब झूठी बात है। प्रश्न करें कि चरण रज उपासते जस्य भूति वयम का, जिनकी उपासना श्री लक्ष्मी जी करती हैं, वहाँ पर हम गोपियों की क्या दशा है, हम किस गिनती में हैं? परंतु थोड़ा सा अनुकूल भाव है कि भ्रमर, तुम जाकर कृष्ण से कहना अपिच कृपण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्द, उनका उत्तम श्लोक नाम तभी सार्थक माना जाएगा जबकि हम जैसी दीनहीन स्त्रियों से वे प्रेम करें। लक्ष्मी जी तो प्रेम करते ही हैं उनसे, लेकिन ये जो उत्तम श्लोक शब्द है ये कृपण पक्ष में होना चाहिए, दीनहीन के अर्थ। भले हम ग्वालिन हैं, कुरूप हैं, धनहीन हैं, लेकिन कृष्ण तो उत्तम श्लोक है ना। उत्तम श्लोक वही हो सकता है जो गरीबों से प्रेम करे। जाकर कहना ये अर्थ है, छिपा हुआ है। अपिच कृपण पक्षे युक्तम श्लोक शब्द, टीका में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं भो मात मैवम उच्च, राधा रानी से भ्रमर कहता है हे माता ऐसी बात मत कहिए,
ऐसी मात होती है उस उधर वाली विजल्प और परिजल्प की बात सुनकर, तब राधा रानी उज्जल्प करते हैं। तो उज्जल्प के टीका के प्रसंग में, उपक्रम में श्रीधर स्वामी कहते हैं, भो माता मैवम वोच, ऐसे ऐसी बात मत कहे, त्वाम अनुस्मृत्य, आपका स्मरण करके अनंग विक्लव, अनंग से विह्वल हो करके, त्वाम प्रसादयितु, आपको प्रसन्न करने के लिए, माम आदिष्टवान, आपको प्रसन्न करने के लिए हमें भेजे हैं दूत बना करके। आप ऐसी बात मत बोलिए कि मथुरा की स्त्रियों में आसक्त हैं। तब राधा रानी कहती इति अत आह दिवीति, दिवी भुवि च रसायन, दिवी स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी में, और रसायन रसातल में, नीचे के लोकों में, का स्त्रिय, ऐसी कौन स्त्रियां हैं जो तब दुरापा, तस्य दुरापा, जो कृष्ण के लिए दुर्लभ है। का स्त्रिय न कोपी, न केपी, कोई नहीं, इसका मतलब ये अर्थ है, श्री कृष्ण जहाँ भी जाते थे विश्व में, स्वर्ग में जाएं या पाताल लोक में जाएं, जाते रहते इस पृथ्वी पर, सब जगह वे पुरुष हो या स्त्री, सबको समान रूप से आकृष्ट करते थे, सभी देखने के लिए बेचैन होते थे, और खास करके स्त्रियाँ और अधिक, वनितो स्वरूप शीलम, श्री कृष्ण का स्वरूप सबके लिए मनमोहक है, लेकिन स्त्रियों के लिए, नवज्योति स्त्रियों के लिए विशेष मनमोहक, भगवान है, भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं, भगवान श्री राम भी स्वयं भगवान हैं, लेकिन मर्यादा के अवतार, मर्यादा का निर्वाह करने के लिए अवतार लिए हैं, शास्त्र में जो नियम बनाया गया है वही बनाए हैं नियम, तो उन नियमों के अनुसार चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो श्री राम चलते समय भूल करके भी किसी स्त्री पर नहीं देखते, किसी स्त्री पर नहीं, विवाह के पहले भी किसी स्त्री पर निगाह नहीं डाले। सीता जी में उनका चित्त गया, सीता को देखने लगे, सीएमओ शशि भाई नयन चकोरा सीता जी को ऐसे देखने लगे फुलवारी में, जनकपुर में, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, एक टक देखने लगे। सीता जी के छवि ने भगवान श्री राम के मन को मोह लिया। तो उस समय उनको ये विश्वास हुआ कि यह मेरी नित्य प्रेयसी है, मेरी पत्नी है, इसीलिए मेरा मन जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता कभी। उस समय लक्ष्मण जी से बात करते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा लगता है यही सीता है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, जिसके कारण से धनुष यज्ञ हुआ है वह सीता यही है, देखा उन्हें तो देखते ही रह गए। लक्ष्मण जी से बात करते हैं, रघुवन सिनकर सहर सुभाव, मन कुपंथ पग धरय न का, पग कुपंथ पग धरय न का, रघुवंशियों का, केवल रघुवंश में जो जन्म लिया है तो उसका सहज स्वभाव होता है कि परिस्त्री में उसका मन नहीं जा सकता है। इतना सभ्य परिवार है, इतना ट्रेंड है कि परिस्त्री पर मन नहीं जाता जा सकता है। तो उसमें भगवान सिद्धांत बोल रहे हैं, जिनके लहाही नदीपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मन डीठी, जिस व्यक्ति का मन परिस्त्री नहीं पकड़ सकती है, उसका मन कभी परिस्त्री में नहीं जा सकता है। पहले कह रहे हैं जिनके लहाही नदीपुरन पीठ, जिनके पीठ को युद्ध भूमि में
दुश्मन नहीं पा सकता है, जब पाएगा तो सामने पाएगा, मर जाएंगे पीठ नहीं दिखा सकते। जिनके लहि न रिपु रण पीठी, शत्रु जिनको रण में युद्ध में उनके पीठ को नहीं देख सकते, सामने बाण सहकर मर जाते हैं, मरते समय तक लड़ते रहते हैं लेकिन पीठ दिखाकर भागते नहीं। और जिनके लहि न रिपुरन पीठी, नहीं पा वही परतीय मन डीठी, और दूसरे की स्त्री जिनके नज़र को नहीं पा सकती है, को कभी देख रहा हो दूसरे के स्त्री पर, और मन को भी नहीं पा सकते, उसका मन भी नहीं जा सकता है। मंगल लहिन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाहे। और योग्य भिक्षुक मांगने वाले, खास करके ब्राह्मण आदि मांगने आवे, और जिसके मुख से कभी नाम न निकले, मंगल लहिन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाहे। ऐसे नरश्रेष्ठ पुरुष मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत कम है। मुहि अतिशय प्रतीत मन केरी, फिर भगवान कहते हैं मुझे अपने मन पर पूरा पूरा विश्वास है। मुहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहु सपने हूँ पर नारी नहेरी। इस सपने में भी दूसरे की स्त्री को नहीं देखा है, देख नहीं सकता, मुझे मन पर विश्वास है, लेकिन वही मेरा मन इस लड़की को देख रहा है, सीता को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि निश्चित यह मेरी पत्नी होने वाली है, ये बात निश्चित, हमारा इसके साथ सनातन संबंध है, अन्यथा मेरा मन नहीं जाता। पहले के लोग इतने महान थे, उनका मन ही प्रमाण था, मन कुपंथ पर जा ही नहीं सकता था, अपनी पत्नी नहीं है तो जा ही नहीं सकता था, न दृष्टि न मन। ऐसा ही प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब दुष्यंत महाराज वन में गए थे और मृगया करते हुए शिकार करते हुए कौणव मुनि के आश्रम पर पहुँचे, बड़े भूखे थे प्यासे थे, तो वहाँ पर एक कन्या